नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बीन पार्ट 5 एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले मैं आपको पार्ट 4 तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, कार्बोएनायंस क्या होते हैं, ठीक है। जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर कार्बीन्स, कार्बीन्स हम किसे कहेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बीन्स। कार्बीन्स आर नेचुरल डाइवेलेंट हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कार्बन स्पीसीज। कार्बन स्पीसीज का बना हुआ हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होता है, जो डाइवेलेंट स्पीसीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बीन्स कहते हैं। देखिए कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायन और कार्बीन्स, थोड़ा डिफरेंस है सब में। कार्बोकैटायंस जिसको पॉजिटिव चार्ज होता था विद कार्बोएनायन, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होते थे, और कार्बिन जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है बट दिस इज अ डाइवेलेंट स्पीसीज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये डाइवेलेंट स्पीसीज है, साथ में इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, कार्बिन के नाम से जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए न्यूट्रल रिएक्टिव डाइवेलेंट स्पीसीज विच कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज कार्बिन। ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, जैसा कि दिख रहा है ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है। डाइवेलेंट दो वैलेंसी है, एक वैलेंसी होगी, एक वैलेंसी होगी, दो वैलेंसी होगी। कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दो ही होगा, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। और दो इलेक्ट्रॉन यूज एज ए लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह दिखाई दे रहा है, लोन पेयर की तरह दिखाई दे रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, दैट इज नोन एज द कार्बन। बट यू नो दैट द इन एलिमेंट द आउटर मोस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 8, सो इट इज नॉट ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज टू हाईली रिएक्टिव स्पीसीज इन कंपेयर टू अदर। इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि इट वॉन्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है क्योंकि इसके आवाहक कोष में यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बीन आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसीलिए इसकी टेंडेंसी क्या मानते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई मांगते हैं, स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी मानते हैं, क्योंकि ये अपना अष्टक यानी कि ऑक्टेट पूरा करने की क्षमता रखती है। इसलिए हम कार्बीन को कहते हैं बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्लियर हो गई, दो ही हो गए, दो ही हो गई, दो से मतलब एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 2 + 2, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। ये तो क्लियर हो गया कि हमारे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहती है, इसलिए हम इस कार्बन को कहते हैं हाईली रिएक्टिव स्पीसीज के नाम से जानते हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हम इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट आर द मेथड टू प्रिपेयर द कार्बन, हम कार्बन को कैसे बनाते हैं। तो कार्बन को बनाने का देखिए पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड इज द कार्बन प्रिपरेशन इज फ्रॉम डाई एजोमिथेन, इससे डाई एजोमिथेन, सो दिस इज द एजो कंपाउंड, इसको हम क्या कहते हैं, This is an azo compound, इसको हम किस नाम से जानते हैं, azo compound के नाम से जानते हैं, ये हमारा कौन सा compound है, azo compound के नाम से जानते हैं। So this is an azo compound का मतलब क्या होता है, जिनमें N और N के बीच में कौन सी bonding होती है, N triple bond N। तो first method is the from diazomethane, diazomethane carbon 8 है तो हम इसको methane कहेंगे, N triple bond N है तो इसे azo कहेंगे, तो this is the diazomethane। तो कैसा बनेगा देखिए, डाइएजोमीथेन ऑन डिकम्पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ लाइट गिव्स कार्बन। डाइएजोमीथेन सूर्य के प्रकाश में जब रिएक्शन करता है यानी कि हीट होता है तो वी गेट ए कार्बन, हमें क्या मिलती है, कार्बन मिलती है। कैसे देखिए, दिस इज द डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन का ये बॉन्ड, ये नाइट्रोजन पर कैसे चार्ज देख रहे होंगे आप, प्लस चार्ज है, तो ये अपना प्लस चार्ज यानी कि प्लस चार्ज हटाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, दो इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और ये आपका इतना हिस्सा कट के अलग हो गया। कह सकते हो आप कैसे, देखिए आप ऐसे कह सकते हो, ये आपका है CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड N, ये दिस इज द एजो कंपाउंड, और इस एजो कंपाउंड में ये वाला बॉन्ड यहां से यहां चलेगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड डाइजो कंपाउंड है, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां चलेगा, यहां चलेगा कहने की मतलब है ये N2 के रूप में अलग है, नाइट्रोजन के रूप में अलग, और आपका नाइट्रोजन के ऊपर अलग होते ही हमें क्या मिला, वी गेट क्या, हमें मिला CH2, वी गेट CH2 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या मिला, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्बन, ये हमारे क्या दिख रहा है, कार्बन। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द कार्बन फ्रॉम डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन को हम जब ब्रेक करेंगे सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में, तो बॉन्ड ब्रेक होके हमें क्या मिलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके अलग गया, इतना पोर्शन अलग हो गया, सो वी गेट क्या, CH2 ग्रुप, अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH2 ग्रुप,
लोन तरफ इलेक्ट्रॉन जिसमें डाइवेलेंसी है, डाइवेलेंसी का मतलब दो हाइड्रोजन है, दो वैलेंसी हो गई, अगर इसको हम खोल के लिखते हैं तो हमें मिलता है ये, और साथ में दो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्बन के नाम से जानते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द कार्बन। सेकेंड मेथड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, किससे, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से देखिए कैसे, द क्लोरो डाइक्लोरोकार्बन इज मोस्ट कॉमनली जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ए बेस सच एज पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके द्वारा बनता है, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl3। ठीक है, हमने क्या लिया है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिया है। ठीक, तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले क्या है, इस पे Na और यहाँ से लिया Cl, क्या निकल गया, NaCl बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकल गया। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, CaCl3 हमारे पास CaCl3 है, CaCl3 हमारा, ठीक हो गया। इसको बॉन्ड को अलग अलग करके दिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे पास NaOH का। ठीक, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सबसे पहले मैंने Na और Cl को बाहर निकाल दिया, Na अपने साथ बॉन्ड लेके बाहर निकल गया Cl के साथ, NaCl। ठीक, सो वी गॉट NaCl। देखिए ये वाला बॉन्ड तो इसके साथ चले गया, तो यहाँ का बॉन्ड ऐसे ही रहा, एज इट इज रहा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहा, रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, यहाँ पर खाली OH ग्रुप है, ये OH इस H के साथ ही बॉन्ड लेके बाहर निकल जाएगा, ये OH इस H के साथ बॉन्ड लेके बाहर निकल गया, OH इस H के साथ बॉन्ड लेके बाहर निकल गया, हमें क्या बच गया, H2, हमारा H2 बाहर निकल गया। रिमेनिंग क्या रहा, CCl2 बचा, और ये बॉन्ड ऐसा कैसा ही है जैसा दिख रहा है, तो CCl2 एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे, इस बॉन्ड को जो, एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो हमारा क्या बन गया, एक कार्बन, दो डाइवेलेंसी और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है डाइवेलेंसी विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कार्बन, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन। ठीक, तो हमारी डाइवेलेंसी के साथ कार्बन जो बना, ये डाइवेलेंसी के साथ जो कार्बन है, इसे हम किस नाम से जानेंगे, कार्बन के नाम से जानेंगे। सो दीज आर द टू मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ कार्बन, ये हमारे दो मेथड थे जिसके थ्रू हम क्या बना सकते थे, कार्बन को प्रिपेयर कर सकते थे। सो वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन अपनी क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, हमें कैसे पता चलते कि कौन कार्बन है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कार्बन है ये पता चल गया हमें, कि हमने देखा इसकी डाइवेलेंसी है, दो तरफ इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज नोन एज द कार्बन। बट प्रॉपर्टीज देखिए, कार्बन इज हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड इट गिव्स द इजीली रिएक्शन विद एल्किन, किसके साथ, किसके साथ, एल्किन का रिएक्शन, कार्बन ऑन रिएक्शन विद एल्किन गिव साइक्लोएल्केन्स, कार्बन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, रिएक्ट विद एल्कीन्स, किसी भी एल्कीन के साथ। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, दिस इज द डबल बॉन्डेड कंपाउंड, हमारे डबल बॉन्ड कंपाउंड है, दिस इज द एल्कीन, एल्कीन के साथ किसी भी डबल बॉन्ड के साथ हमने जब कार्बन की रिएक्शन कराई, जैसे कि हमने डबल बॉन्डेड कंपाउंड कोई भी आर ग्रुप ले रखा है, ये हमारा आर ग्रुप है, इसके साथ हमने कार्बन की रिएक्शन कराई, क्या ये हमारा कार्बन, ठीक है, डाइवेलेंसी वाला कोई भी कार्बन है, आर की एच की एक ही बात है। तो होगा कैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये कार्बन जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये अपने ये वाला बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर की तरफ को गया, ऊपर की तरफ को गया, और ऊपर की तरफ को जाके ये आर ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, और कार्बन के दो लोन पर यहाँ से कहाँ गए, नीचे को आ गए, जैसे कि ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये आपका कार्बन का जो दो लोन पर है, वो दो लोन पर अपना नीचे को आ गए, जैसे कि ये दिख रहे हैं, और रिमेनिंग जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड टूट के ऊपर गया, ये बॉन्ड हमारा टूट के ऊपर गया, ये बॉन्ड ने ट्रायंगल बना दिया, कैसे देखिए, ये कार्बन जो हमारा गया, ये वाला बॉन्ड हमारा गया ऊपर, हमारा बॉन्ड ऊपर गया, तो हमें बन गया क्या, सी, ये हमारा दो, ये आर ग्रुप ऐसा कर ऐसे ही, ये एच ग्रुप ऐसा कर ऐसे ही, ये बॉन्ड जो हमारा गया वो ऊपर गया। ठीक, ये दिख रहा है आपको, ये कार्बन का लोन पेयर हमारा इसने यहाँ पर जुड़ा, कार्बन का लोन पेयर यहाँ पर जुड़ा, तो ये बॉन्ड हमारे ये आ गए। ठीक, हमारा ये बॉन्ड ऐसे बन गया, हमारा रिमेनिंग ग्रुप जो थे, हमारे दो आर ग्रुप साइड से जुड़ गए। ठीक हो गया, ये आर ग्रुप जुड़ गए, और हमारी कार्बन एज इट इज रही, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, दो बॉन्ड में से एक ऊपर गया, एक बॉन्ड ऐसे ही रहा। ठीक है, ये आर ग्रुप हो गया, ये हमारा एच ग्रुप हो गया, ये हो गया आपका आर ग्रुप। ठीक, फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे क्या बन गई है, डाइक्लोरोकार्बन ने किस तरह से रिएक्शन करी, अपने दो लोन पे रखो, किसको दिया, बॉन्ड की तरफ को दिया, ऑब्लिगेटेड व्हाट कंपाउंड ऑब्लिगेटेड, साइक्लोएल्केन, जिसमें कार्बन में ये रिंग तो बन रही है, लेकिन ये रिंग तो बन रही है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड का कोई केस नहीं है, तो इस तरह के बने हुए कंपाउंड को क्या कहते हैं, साइक्लो, इनके आगे प्रीफिक्स क्या लगता है, साइक्लो, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि आप जाते हो जैसे कि बेंजीन वगैरह के कोई भी बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन इस वाले कार्बन में सिंगल डबल बॉन्ड का कोई केस ही नहीं है, खाली एक रिंग बन रही है, तो दिस कंपाउंड इज प्रीफिक्स इज साइक्लो, इस कंपाउंड का प्रीफिक्स होता है हमारा क्या होता है, साइक्लो होता है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए द रिएक्शन विद एल्कोहल, हम इसकी रिएक्शन किस तरह करेंगे, अगर हम किसी एल्कोहलिक कंपाउंड के साथ कराते हैं,
जैसे कि हमने आरओएस ले रखा है, मर्जी आपकी प्राइमरी अल्कोहल लीजिए, सेकेंडरी लीजिए, टर्सरी लीजिए। मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, जिसमें एक आर ग्रुप होता है उसे प्राइमरी कहते हैं, जिसमें दो आर ग्रुप होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं, जिसमें तीन आर ग्रुप होता है उसे टर्सरी कहते हैं। अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन विद अल्कोहल देखिए, कार्बिन और रिएक्शन विद अल्कोहल टू गिव्स एडिशनल कंपाउंड दैट इज ईथर। कार्बन की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ होती है तो कोई भी एडिशनल कंपाउंड क्या बनेगा, हमारा क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। कैसे देखिए, जैसे कि हमने लिया CH3OH, हम आपको बता चुके हैं अल्कोहल कई प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। हमने यहाँ पर फिलहाल प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, आर ग्रुप के सो पर लिखा है, तो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसी भी कार्बन के साथ, जैसे कि मैंने लिया कार्बन CH2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, कहा अल्कोहल गिव्स एडिशनल कंपाउंड ईथर, वो क्या देगा, एडिशनल कंपाउंड ईथर की प्राप्ति होगी। कैसे देखिए, ईथर की प्राप्ति होने के लिए ये बॉन्ड जो O और H के बीच में जो बॉन्ड है, ये O और H का बीच का जो बॉन्ड है, हम इसको खोल के लिख रहे हैं, और ये H यहां से जाके यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ गया तो हमें क्या मिल गया, ये बन गया हमारा CH3 ग्रुप बन गया। H यहां से यहां जुड़ गया तो क्या मिल गया, हमारे पास CH3 ग्रुप बन गया। ये बॉन्ड ऐसा का ऐसे ये जैसा है तो हमें क्या मिला, CH3 बॉन्ड O और ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहा और हमें क्या मिल गया, CH3। तो देखिए हमें क्या मिला, CH3OCH3। तो इसके थ्रू हमें किसकी प्राप्ति होती है, ईथर की प्राप्ति होती है। तीसरा है रिएक्शन विद एल्केन्स, पहला था एल्कीन के साथ, अब तीसरा है रिएक्शन विद एल्केन्स। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। क्या मिलता है देखिए, एल्केन्स ऑन रिएक्शन विद कार्बन्स टू गिव हायर नंबर ऑफ एल्केन्स। किसी भी एल्केन की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराने पर उच्च श्रेणी के एल्केन की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पर कितने कार्बन वाला एल्केन है, दो कार्बन वाला एल्केन है। तो इसका मतलब जब हम इसकी रिएक्शन कार्बिन के साथ कराएंगे तो हमें तीन कार्बन वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उच्च श्रेणी उससे एक ज्यादा। तो जैसे कि यह है CH3 ग्रुप, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, ये सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पर का H यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर का H यहाँ से यहाँ जुड़ा तो क्या मिल गया, CH3 ग्रुप। तो हमें क्या मिला, ये CH3 ऐसा का ऐसा ही, बीच वाला CH2 ऐसा का वैसा ही, और बीच जो लास्ट का H था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये H CH2 के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, CH2 ये हो गया, H ये हो गया, क्या बन गया, CH3 ग्रुप बन गया। सो वी गेट 1, 2, 3, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। तो हमारा ये क्या था, इथेन था, इथेन से हमें किसकी प्राप्ति होगी, प्रोपेन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कार्बिन अपने लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड बनाकर अपने फाइनल प्रोडक्ट को देता है और हमें क्या बनता है, कार्बिन की प्रॉपर्टीज की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को कार्बिन के विषय में जानकारी पसंद आएगी। ये हमारा पार्ट 5 था, आगे मिलता है नेक्स्ट पार्ट 6 को लेकर, नेक्स्ट कार्बो नेक्स्ट हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट को लेकर। धन्यवाद।